तरह छात्रों के जीवन में शिक्षा का महत्व है, शिक्षा आंतरिक और बाहरी ताकत प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। जिस प्रकार शिक्षा मस्तिष्क व समाज के उत्थान में सक्षम है, सिर्फ शिक्षा ही नहीं, हर क्षेत्र में खेल हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्य हो, हर क्षेत्र में USCD JV पब्लिक स्कूल महाराजगंज अपना लोहा मनवा चुका है। छात्रों में छुपी प्रतिभा निखारने के लिए एक बार फिर उमंग इनवल्व द प्रोग्राम आयोजित कर छात्रों में छुपी हुई प्रतिभा देखने का बेहतरीन मंच मिला है, जिसका विद्वान शुभारंभ सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, SDO रोचना माधुरी, DSP राकेश रंजन कुमार रंजन और स्कूल चेयरमैन सुरेंद्र सिंह सहित JV पब्लिक के सभी पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। USCD JV पब्लिक स्कूल के छात्रों को हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के साथ सांस्कृतिक खेलकूद प्रतियोगिता में जीते सहभागी छात्रों को मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा सभी मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र व बुके देकर सम्मानित किया गया। DRO AK झा ने कहा कि JV हमेशा शिक्षा सेवा संस्कार के भाव से कार्य करता है। विद्यालय छात्रों को संस्कार के साथ शिक्षा देकर छात्रों का भविष्य निखारने का कार्य करता है। USCDDAV पब्लिक स्कूल महाराजगंज के उमंग एनुअल डे प्रोग्राम आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्रों ने एक नए जोश व उमंग के साथ भाग लेकर एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर सभी अभिभावकों का मन जीत लिया। वहीं उमंग डे एनुअल कार्यक्रम में DAV संस्था के सभी स्कूल के प्रिंसिपल इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही थी। उमंग कार्यक्रम को लेकर छात्रों में एक अलग जोश भरा हुआ दिखाई दिया। कौन हुआ है कि जिसके मैं चर्चा नहीं कर सकता, बच्चों के कार्यक्रम में मैंने इस टाइप से मैंने उमंग भी है और तैयारियां भी है। मैं तैयारी कराने वाले शिक्षकों को भी और इस विद्यालय परिवार को भी उन बच्चों के साथ मैं बधाई देता हूं। बच्चे क्वालिटी के तैयारियां जो की है ना, इसका एक मैसेज नीचे तक अन्य बच्चों में भी जाएगा। यह शिक्षा से जुड़ा हुआ, देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि शिक्षा संस्कृति और संस्कार को बदलता है, और हमारी संस्कृति संस्कार अगर क्वालिटी की अच्छी ऊंचाई तक हो गई तो फिर इस राष्ट्र के नव निर्माण को कोई रोक नहीं सकता। हम इस राष्ट्र के नव निर्माण से जोड़ करके इन बच्चों की तैयारी, बच्चों की शिक्षा को मैं देखता हूँ। क्वालिटी का शिक्षा प्राप्त होना उन अभिभावकों के लिए भी हमें लगता है कि उनके प्रति उनके जो अंदर भावना है उसको भी पूरा करने का काम करता है। इसे पटना माने राज्य के मुख्यालय से दूर दराज गांव में भले सब डिवीजन मुख्यालय, लेकिन यहाँ भी इस तरीके क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त हो रही। ऐसे विद्यालयों की संरचना है, ऐसे शिक्षक क्वालिटी के हैं, ऐसे संस्थापक हैं जो छात्रों के प्रति जो भाव व्यक्त कर रहे हैं। इस तैयारी में लगे सारे छात्रों को और शिक्षकों को, इस स्कूल के प्रचार्ज को, इस स्कूल के निदेशक और हम लोगों के यशस्वी DRO श्री SK झा साहब को मैं हृदय से बधाई देता हूँ कि ये लोग रात दिन लग के इस बच्चों के भविष्य के लिए अपनी तपस्या का जीवन बिता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये सारे लोग बधाई के पात्र हैं और उन सबके सम्मान में मैं अपने सर झुकाता हूँ कि बच्चों को शिक्षा सेवा संस्कार की त्रिमूर्ति बना रहे हैं। एक बच्चे में तीन भाव दिख रहा है, बच्चे शिक्षित भी हो रहे हैं, संस्कारिक भी हो रहे हैं, उनमें सेवा भाव भी उत्पन्न हो रहा है। DAV संस्था के लिए मैं अपने हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ। छात्रों के लिए क्या संदेश? छात्रों को एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। हम लोग के DRO साहब ने कहा है कि नागरिक बने, उसके बाद MP साहब ने कहा कि वह इस अच्छे नागरिक बनेंगे तो अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे, अच्छे IAS अफसर बनेंगे। राष्ट्र के निर्माण में जो उनमें एबिलिटी है उसके हिसाब से राष्ट्र में अपना योगदान दें, तो सपना साकार हो। और हमको लगे कि हमसे ज़्यादा धनवान धरती पर कोई नहीं है। इस स्कूल का जो भी बच्चा अच्छा करता है तो हमको लगता है कि हमसे धनी धरती पर कोई नहीं। सर, आज USCDDAV पब्लिक स्कूल में सर उमंग एनुअल फंक्शन पड़ा था, छात्रों को क्या? सर, DAV और किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एनुअल फंक्शन बहुत मायने रखता है। बच्चों के पूरे साल की उपलब्धियों को विभिन्न माध्यमों से, सांस्कृतिक रूप से, स्किट के द्वारा, नाटक के द्वारा और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के द्वारा पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रखा जाता है कि साल भर की क्या उपलब्धि रही बच्चों की, और उसके द्वारा पेरेंट्स भी अपने बच्चों के परफॉर्मेंस को देखते हैं और उससे उनको भी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है, और जो बच्चे परफॉर्म करते हैं या जो अच्छा करते हैं उनको एनुअल लेवल पर प्राइज़ दिया जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। जैसे उनका अटेंडेंस 100% स्कोर करने वाले, 100% अटेंडेंस वाले,
रेगुलर स्टूडेंट्स, डिसिप्लिनड स्टूडेंट्स और ऑल अफेयर्स जो होते हैं स्कूल्स के, उससे रिलेटेड बच्चों को पारितोषित भी दी जाती है, उनको प्राइज भी दिया जाता है और उससे बाकी बच्चे भी इंस्पायर्ड होते हैं जो अगले सेशन में अपना परफॉर्मेंस अच्छे ढंग से परफॉर्म करें। सिलेक्शन होता है मेरे पूरे साल के मेहनत का, हमारे टीचर्स के, हमारे स्टाफ का और हमारे कैंपस के लोगों का। सर, उमा संघ चंपादेव डीएवी पब्लिक स्कूल में एनुअल फंक्शन उमंग करके कार्यक्रम आयोजित किया गया, सर इसमें छात्रों को सर क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैं बच्चों को, देखिए एक विद्यालय होता है, यही विद्यालय है जहाँ 2500 के आसपास बच्चे हैं। यह बात हम लोगों की एक मंशा होती है कि जब भी वार्षिक उत्सव हो रहे विद्यालय में तो हम मैक्सिमम बच्चों को पार्टिसिपेट करावें, क्योंकि हमारे सारे पेरेंट्स आते हैं और उन पेरेंट्स अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ देखते हैं। देखने का शौक यह होता है कि विद्यालय एक तरह कमिटमेंट करता है कि हम आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय चला रहे हैं। डीवी का वैसे भी संकल्प है, आज से 140 साल का संकल्प पहले का है। हमारे प्रधान ऑल इंडिया हेड डॉक्टर पूनम सूरी जी का ये एक संकल्प है, दयानंद सरस्वती को संकल्प को आगे बढ़ाते जा रहे हैं कि अगर सर्वांगीण विकास की बात होती है तो हम सर्वांगीण विकास में सिर्फ एकेडमिक्स नहीं है, को करिकुलर एक्टिविटीज है, एकेडमिक्स है, स्पोर्ट्स है, बिहेवियर है, एटीट्यूड है, ये सारे चीज़ को मिला के विकास की असली पहनावा हम पहनाते हैं बच्चों को। ये भी अक्सर अपने पेरेंट्स से यह संकल्पित है कि आप का बच्चा अगर डीएवी में है तो वह बच्चा सर्वांगीण विकास में राष्ट्रहित में भी सहायक होगा और एक अच्छा नागरिक के रूप में भी उभरेगा। कभी कभी बातें होती है कि विद्यालय चलाने के लिए भाई आईएएस होना चाहिए, आईपीएस होना चाहिए, एटीएन होना चाहिए, मेडिकल में जाना चाहिए, सब कुछ ठीक है, यह सेकेंडरी बात होती है। जब एक बच्चा अच्छा बनता है, एक बच्चा जब एक अच्छा नागरिक होता है तो उसके बाद दूसरा स्थान होता है जिंदगी में जीने के लिए कि वो एक अच्छा आईएएस बने, एक आईपीएस बने, एक मेडिकल डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने और राष्ट्र हित में, राष्ट्र सहयोग में, राष्ट्र उत्थान में अपना सहयोग करे। तो आज का जो उमंग यह एनुअल फंक्शन इस विद्यालय का है उसके पीछे भी उद्देश्य यही है, जो साल भर बच्चे का क्या प्रोग्रेस हुआ एक मंचीय भावना से, मंचीय मंच के माध्यम से हम उन बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं, उनके माता पिता को विटनेस के रूप में दिखाते हैं कि यह आपके बच्चों का होल ईयर का परफॉर्मेंस है इन द फील्ड ऑफ स्टेज। मैं शुभकामना देता हूँ इस विद्यालय के प्राचार्य को, यहाँ के शिक्षकों को, शिक्षितर कर्मचारियों को, इस विद्यालय के चेयरमैन को, कि इन लोगों ने भरपूर कोशिश करके महाराजगंज जैसे सुदूर एरिया में अपनी एक डीएवी एस्टैब्लिश करके और आज आप भी साक्षी हैं कि यह विद्यालय 2008 में खुल के 15 साल के इस यात्रा में कहां से कहां पहुंचा है। हम दावे के साथ कह सकते हैं जो विद्यालय का कार्यक्रम मैंने देखा है, बच्चों का जो कार्यक्रम देखा है, उस कार्यक्रम को जब हम आंकते हैं तो हमको ये नहीं लगता है बड़े बड़े शहरों से हमारा बच्चा कम है। हर क्षेत्र में इन बच्चों का विकास हो रहा है, अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। मैं शुभकामना देता हूँ, इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ।